लोक निर्माण विभाग की कार्य प्रणाली पर एक बार फिर से शक के घेरे में खड़ी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साधु पुल में सदियों पुराने पुल के टूट जाने पर नए पुल का निर्माण किया गया। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार पुराने पुल में से करीब 22 मिल्टिक टन लोहे के गार्डर निकले थे, जिन्हें बकायदा बेचने के लिए टेंडर भी लगाए गए थे। कुछ व्यवसायियों ने टेंडर भरे, लेकिन जब साइट पर पहुंचे तो वहां से लोहा गायब हो चुका था, इसीलिए उन्होंने लोहा उठाने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि अगर मौके पर 22 मैट्रिक टन लोहा मौजूद था तो अब कहाँ गया, और अगर लोहा वहाँ से चोरी हुआ है तो विभाग ने अभी तक इस पर कार्यवाही अमल में क्यों नहीं लाई और पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई। जब इस बारे में लोक निर्माण विभाग के अधिशांशी अभियंता एसपी जगोटा से पूछा गया तो उन्होंने अपने आप को इस घटना से अनजान बताया और कहा कि उन्हें मीडिया के माध्यम से ही इस बात की जानकारी मिल रही है। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही मौके पर अधिकारियों को भेजकर इस मामले की गंभीरता से जांच करेंगे और अगर कोई दोषी पाया गया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके बारे में तो मैं यही बोलूंगा कि जो ये साधुपुर में जो ब्रिज डैमेज हुआ था और उसका स्क्रैप का जो आप बता रहे हैं, ये मेरे ध्यान में ये बात अभी आई है और मैं कंसर्न अधिकारियों से इसके बारे में बात करके और इसकी मैं जांच करूँ। इसका कुछ एडमिनिस्ट्रेशन कारणों से ये इसका स्क्रैप की ऑक्शन नहीं हो रही थी, जो अब जल्दी ही करा दी जाए। मैं नहीं समझता कि ये ऐसा कुछ होगा, फैक्चुअल पोजीशन ग्राउंड पे देख के ही कुछ कहा जा सके।